सर, अभी रहते हैं। अच्छा मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। शेयर स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? सर फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा लेक्चर आ गया जी। यस सर। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट हैं, और एक हमने जो पहला वाला हमने डिस्कस किया था कि एक हमारे पास सैंपल का मीन है एक्स बार, और उसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि हमारा एक्स बार जो है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कह रहा है कि आपका एक्स बार जो है वो पॉपुलेशन मीन से या छोटा है या बड़ा है या अनइक्वल है। ठीक है, आज जो हम दूसरा जो हम टी टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये दो सैंपल्स हम ले रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल का ये मतलब है कि एक सैंपल की हाइट या जो भी उसका मीन आ रहा है उसकी कोई एसोसिएशन दूसरे सैंपल के मीन के साथ ना हो। जैसे अक्सर अगर आपने देखा होगा तो अगर फादर की हाइट है तो उसके बच्चे वो ज्यादा है तो उसकी बच्चे की हाइट अक्सर उसी के मुताबिक होती है कि वो भी ज्यादा होगी। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास आते हैं। इंडिपेंडेंट की कोई हाइट नहीं है, जैसे सलमान की हाइट का कोई एसोसिएशन ही नहीं है असद की हाइट के साथ। मुमकिन है असद की हाइट ज्यादा होती है, मुमकिन है सलमान की हाइट ज्यादा होती है। तो जो इस तरह के सैंपल्स आपके पास आ जाएं तो ये इंडिपेंडेंट हैं। एक ग्रुप के जो हाइट्स हैं या जो भी उसका मीन है उसका दूसरे ग्रुप के मीन के साथ कोई ताल्लुक ना हो तो ये इंडिपेंडेंट सैंपल आपके पास होते हैं। तो हम आज यही सैंपल्स हम डिस्कस करेंगे, और इनको हम कहेंगे कि जी आपका एक एक्स बार वन है और दूसरा हमारे पास एक्स बार टू है। एक सैंपल का एक्स बार वन है और दूसरे सैंपल का एक्स बार टू है, जो भी है। तो अगर हमारे पास ये मीन्स दो के बजाय तीन होते तो फिर हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसके बाद हम जो टेस्ट करते हैं वो एनोवा कहलाता है, ANOVA, एनोवा, जिसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ही मीन के लिए टेस्ट है जिसको हम तीन या तीन से ज्यादा सैंपल्स के लिए करते हैं। जब हम दो सैंपल्स के लिए करते हैं तो उसके लिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है। तो ये तो उसकी बैकग्राउंड है। अब जो हमारे पास टेबल है ये वही टेबल है जो हमने वन सैंपल टी टेस्ट के लिए हमने यूज किया था। वन सैंपल टी टेस्ट में हम इसको किस तरह रीड कर रहे थे, हम इसको इस तरह रीड कर रहे थे कि एन माइनस वन जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आती है, और उसी एन माइनस वन से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को रीड करेंगे, उससे आपकी रिजेक्शन रीजन आपके पास आएगी। तो सपोज आपके पास सैंपल साइज अगर 11 है तो एन माइनस वन 11 माइनस 1 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 होगा, और 10 पे 95% सिग्निफिकेंस पे या एल्फा पे, एल्फा हमारे पास एरर है, अगर सिग्निफिकेंस 95% है तो एल्फा हमारे पास 5% होगा जिसको हम 0.05 डिनोट करते हैं, 0.05 हमारे पास, तो रिजेक्शन रीजन हमारे पास 2.23 होगी। आज हमारे पास दो सैंपल्स हैं तो हमारे पास दो सैंपल्स की जो एन है वो भी होगी, एक का एन होगा N1 और दूसरे का होगा N2। तो हम क्या करते हैं, N1 से भी -1 कर देते हैं और N2 से भी -1 कर देते हैं, और ये दोनों एन हम प्लस कर देते हैं, N1 प्लस N2 -2। तो सपोज एक का एन आपके पास N1 जो है वो 6 है और N2 आपके पास 7 है, तो क्या होगा 6 प्लस 7,
और हर एक से आप माइनस वन कर देंगे, तो 6 प्लस 7 13 हो जाएगा, और फिर उससे हम माइनस 2 कर देते हैं, तो 11 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एन माइनस वन के बजाय आपके पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो एन वन प्लस एन टू माइनस टू होगा। तो 6 अगर एक का सैंपल है, 7 दूसरे का सैंपल है, तो ये 6 प्लस 7 आपके पास 13 हो जाएगा, माइनस 2 कर देंगे तो 11 पे आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उस पे रिजेक्शन रीजन 95% पे 2.2 है, 99% पे अगर है तो वो 3.11 है। इसी तरह अगर आपके पास जो एन वन है वो सपोज आपके पास 9 है और एन टू आपके पास 10 है, तो क्या होगा, 9 प्लस 10 आपके पास 19 हो जाएगा, और 19 से आप 2 माइनस करेंगे तो 17 पे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम पे रिजेक्शन रीजन आएगी जो कि 95% पे आपके पास 2.11 होगी। तो ये आप रिजेक्शन रीजन इस तरह आप रीड करेंगे। रिजेक्शन रीजन में कोई प्रॉब्लम है? नो सर, ठीक है। हाँ, अब ज्यादातर मेरी जो है वो ज्यादातर रिपीटिशंस हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो इसमें अब प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नहीं होंगी। अब जो आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो कैलकुलेट करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। अभी तक हम ये आपके पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्स बार माइनस म्यू हम कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, हमारे पास जो मीन होगा वो दो सैंपल्स को होगा, तो दोनों एक्स बार्स होंगे, तो एक्स बार वन एक आएगा तो दूसरे को हम एक्स बार टू कह देंगे। अब सपोज ये मेल और फीमेल के लिए आप कर रहे हैं, सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, तो आप मेल को भी एक्स बार वन ले सकते हैं और फीमेल को भी एक्स बार वन ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस में आ गया या आपके पास ये प्लस में आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके आपके जो जो नॉर्मल कर्व है वो सिमेट्रिकल है, तो ये माइनस में भी आ रहा है तो उतना ही दूर होगा मीन से जितना कि अगर ये प्लस में आ रहा है। तो अगर आप 6 माइनस 5 करेंगे या 5 माइनस 6 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का माइनस वन आएगा एक का प्लस वन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राइट हैंड साइड पे आ जाए 1 या लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका ऊपर जो है डिनोमिनेटर में न्यूमिरेटर में कोई फर्क नहीं है, नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में थोड़ा सा फर्क है। डिनोमिनेटर में क्या है, अब दोनों साइड पे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जो हम स्टैंडर्ड एरर हम कैलकुलेट कर रहे थे वो हमारे पास आ रहा था एस डिवाइड बाय अंडर रूट एन, एस डिवाइड बाय अंडर रूट एन, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो हमारे पास एन है और दो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहे हैं, तो हम वेटेड एवरेज, इसको कहते हैं कि वेटेड एवरेज ले लेते हैं, दोनों का हिस्सा ले लेते हैं एक जैसा हिस्सा। तो ये जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए है, ये जो ऊपर वाला इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको भी हम स्क्वायर रूट में डाल लेते हैं, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं, तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम स्क्वायर लगा लेते हैं, तो एस वन स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एन वन, सॉरी अंडर डिवाइड बाय एन वन प्लस एस टू स्क्वायर डिवाइड बाय एन टू, और इस सारे को हम अंडर दी स्क्वायर रूट डाल देते हैं, तो ये जब सारा स्क्वायर रूट में आ जाता है तो वो एस वन ही आता है, एस वन स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये वही चीज है कि आपके पास एस ओवर अंडर रूट एन आ जाता है। तो ये इसको जरा कंप्यूटेशन में आपके लिए आसानी होगी अगर आप इस तरीके से इसको करें, और दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन का अपना अपना हिस्सा हम इसमें ले लेते हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, अब कंप्यूटेशन हम इसी टेस्ट स्टैटिस्टिक से करेंगे। तो ये अगर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो रिजेक्शन रीजन से बाहर गिर रहा है, आपका रिजेक्शन रीजन सपोज आपका रिजेक्शन रीजन 2 आ रहा है और ये टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका 3 आ रहा है, या -2 आ रहा है और ये -3 आ रहा है, तो बाहर गिर रहा है, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये जो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी आपने कंप्यूट किया ये उस 2 से छोटा आ रहा है, 1.2 आ रहा है, तो 1.2 पे आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो सकता है।
वो आप रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो जब आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि एक्स बार वन और एक्स बार टू जो है वो एक जैसे हैं, उनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो ये इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। बाकी जो हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स हैं वो वही स्टेप्स हैं जो हम पहले से हम जी टेस्ट से हमने शुरू किए हैं। 5 स्टेप्स आप लेंगे, पहले में आपने स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस लेनी है, दूसरे स्टेप में आपने फिर सिग्निफिकेंस लेवल चूज करनी है, तीसरे में आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करनी है, चौथे में आपने रिजेक्शन रीजन देखना है, टेबुलेटेड वैल्यू आपने देखनी है, और पांचवें पे आपने कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन करना है। तो ये 5 स्टेप्स आपने अपने पेपर में लिखने होंगे। जी क्वेश्चन सर, रिजेक्शन का दोबारा बताएं करंटली। रिजेक्शन रीजन का दोबारा बता दूं, उसमें आप क्या देखना चाहते हैं? जी आप मेरे साथ डिस्कशन थोड़ी सी कर दें कि रिजेक्शन रीजन में हमने कोई नई चीज वो नहीं दी हुए। रिजेक्शन रीजन आपका टेबल से बनता है, टेबुलेटेड वैल्यू से आपके पास आता है। सर, और वो पुराना तरीका होगा, अगर वैल्यूज के अंदर आएगा तो वो रिजेक्ट होगा। जी बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, वही पुरानी चीजें हम दोबारा रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जो फर्क आ रहा है वो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम में फर्क आ रहा है। आपने वन सैंपल टी टेस्ट में क्या था, तो एक सैंपल था तो आपने एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया था। यहाँ पे आपके पास 2 सैंपल्स हैं तो दोनों सैंपल्स को आप प्लस कर देंगे, और हर एक से आप क्योंकि -1 -1 करते हैं तो वो -2 हो जाएगा। तो n1 + n2 -2 कर देंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपके पास आ जाएगा उसके मुताबिक आप रिजेक्शन रीजन देख लेंगे टेबल से, और वो कुछ भी आ सकता है। वो फिर हम वापस चले जाते हैं, थोड़ा सा मैं वापस चले जाता हूँ आपको इसमें। यहाँ पे आपके पास अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 10 आ रहा है, तो आपके पास 95% सिग्निफिकेंस पे रिजेक्शन रीजन 2.23 आ रहा है। 20 आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 2.09 आ रहा है, 25 आ रहा है तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपके पास रिजेक्शन 2.06। जी सर, इसमें भी अगर हमारे पास मोर देन 25 आएगा तो फिर हमने अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही फॉर्मूला। जी बिल्कुल, आपने a प्लस b डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने अप्लाई करना है। क्लियर हो गया? ये आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू यहां से आएगी, और आपके पास जो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो जो फॉर्मूला आपके पास गिवन है x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइड बाय s1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2, और जो आपका डिनोमिनेटर है सारे को हम स्क्वायर रूट में डाल देते हैं, सबको कैलकुलेट करते हैं। जी सर, 3-4 स्टूडेंट्स एब्सेंट है क्लास से, तो काइंडली रिकॉर्डिंग ऑन कर लें उनके लिए, फिर रिकॉर्डिंग हो जाए। ये जी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू। जी अब जरा आप इसको रीड कर दें। जी ये एग्जांपल है सर, तो इसको जरा जी रीड कर दें। नजर आ रहा है? सपोज वी पुट, यस सर, सपोज वी पुट टू पीपल, पुट पीपल ऑन टू डाइट्स, द पिज़्ज़ा डाइट एंड द बियर डाइट। First patients are randomly assigned to either 1 week of exclusively eating pizza or exclusively drinking beer. Our research question will be, is there difference between weight gains in two diets? Thus, our researcher hypothesis is there is difference between the weight gains in the two diets. ये आपका कौन सा hypothesis है? Null hypothesis है, alternate hypothesis है? Alternate hypothesis. ये आपका alternate hypothesis है, there is difference between the weight gains in the two diets. तो null hypothesis क्या होगा? There is no difference between the weight gains in the two diets. और उसको mathematically फिर आप किस तरह लिखेंगे? आप लिखेंगे कि इसमें आप लिखेंगे x bar 1
इज नॉट इक्वल टू एक्स बार टू, और नल हाइपोथेसिस में आप लिखेंगे कि एक्स बार वन इज इक्वल टू एक्स बार टू। जी फिर रीड करें इसको। Example, at the end of the week we measure weight gain by each participant, which diet causes more weight gain. In other words, the null hypothesis is null hypothesis weight gain pizza diet is equal to weight gain bear diet. जी बिल्कुल जी। Why the null hypothesis is the opposite of what we hope to find. In this case, our research hypothesis is that there are differences between the two diets. Therefore, our null hypothesis is that there are no differences between the two diets. जी अब ये आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं पिज्जा डाइट में उसने कितना गेन किया है, तो पिज्जा डाइट वालों ने पहले बंदे ने जो गेन किया है वो 1 pound गेन किया है, दूसरे ने, तीसरे ने और चौथे ने 2 pounds गेन किए हैं, और पांचवें बंदे ने 3 pounds गेन किए हैं। ठीक है, आपने मीन उसका निकाल दिया तो 1, 2, 2, 2 और 3 का मीन जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। जो बियर डाइट में वेट गेन्स हैं ये आपने X2 में ले लिए, तो बियर डाइट में जो वेट गेन्स हैं वो 3, 4, 4, 4 और 5 है, तो उनका जो एवरेज आ रहा है वो आपके पास 4 आ रहा है, जो मीन आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो पिज्जा डाइट में आपने पिज्जा डाइट को पहले लिख लिया है तो उसको आपने X1 लिख दिया है, और बियर डाइट को आपने बाद में लिख लिया है तो उसको आपने X2 लिख लिया है। लेकिन आप इसको रिवर्स भी लिख सकते थे कि इंस्टेड ऑफ पिज्जा हाइट अब बियर को आप लिख सकते थे कि ये X1 है और पिज्जा आपका X2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्लियर है, ये बात क्लियर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको क्लियर होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपका x बार 1 आ गया आपके पास 2 और x बार 2 आ गया आपके पास 4, और उसके उससे जब आप निकाल देते हैं तो ये आपके पास वेरिएंस जो आ रहा है वो 0.4 एक का आ रहा है और 0.4 दूसरे का आपके पास आ जाता है। और जब इसको आप बाकी इसको आप कैलकुलेट कर देते हैं तो हम अभी बाकी इसका आगे जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसको रीड कर दें। जी बेटा। The first step in calculating the independent sample t-test is to calculate the variance and mean in each condition. In the previous example, there are total of 10 people with 5 in each group. Since there are different people in each group, these samples are independent of one another, giving rise to the name of the test. जी, ये जो अब आपने t calculate किया, तो t आपके पास ये आ रहा है। फॉर्मूला आपके पास ये है x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइड बाय s1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2, और सबको हम स्क्वायर रूट में डाल देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n1 प्लस n2, तो n1 कितना है आपके पास 5 है, n2 कितना है आपके पास वो भी 5 है, तो 5 प्लस 5 आपके पास 10 हो जाता है, और 10 से माइनस 2 हम करेंगे तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 हो जाएगा। तो 8 पे फिर आप अपने टेबल को देख लें कि 8 पे आपके पास रिजेक्शन रीजन कितना आता है, 2.31। ठीक है, 2.31, और जब हम कैलकुलेट कर देते हैं ये टी हम कैलकुलेट कर देते हैं तो ये आपने 2 माइनस 4 लिखा है तो ये आपके पास -4.47 आ जाता है, -4.47 आपके पास आता है, और वो 2.31 है तो उसको हम -2.31 रीड करते हैं, -2.31। तो आपके ख्याल में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। नो सर। नहीं बेटा, हम रिजेक्ट करेंगे, बिल्कुल इसको हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि -4.47 बहुत दूर जा रहा है, -2.31 से बाहर गिर रहा है, बहुत दूर जा रहा है, बहुत बाहर गिर रहा है। तो जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो नल हाइपोथेसिस क्या क्या रहता, कि बियर और पिज्जा की इक्वल वो है, उनमें वेट गेंस हैं, जबकि इक्वल वेट गेंस नहीं है, उनमें जो डिफरेंस है 2 और 4 का वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और इसको
इसको थोड़ा सा हम आगे जाके हम और भी रीड करते हैं तो आपको और भी समझ आ जाएगी कि ये जो आप दूर आपका गिरता है तो कैसे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं। जी इसको भी रीड करें बेटा। The T is calculated under the assumption called null hypothesis that there are no differences between the pizza and beer diet. If this were true, when we repeatedly sample 10 people from the population and put them in our two diets, most often we would calculate a T of O. T of zero. So T आपका zero आना चाहिए था। क्योंकि आप कहते हैं कि जी बियर डाइट और पिज्जा डाइट एक जैसे हैं, तो जब आप माइनस करते हैं एक से दूसरा आप माइनस कर देते हैं तो फिर वो दोनों आपके पास एक जैसे आने चाहिए। 2-4 आपके पास फिर 2 नहीं आना चाहिए था, ये 0 आना चाहिए था। आप 4.47 पर कैलकुलेट करते हैं तो ये 4.47 नहीं आना चाहिए था, ये 0 आना चाहिए था अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू होता। जी रीड करें आगे। जी Some theory why, look again at the formula for the t, most often the numerator x1 minus x2 will be 0 because the mean of two conditions should be the same under the null hypothesis, that is weight gain is the same under both the pizza and beer diet. जी, read करते हैं। Sometimes the weight gain might be a bit higher under the pizza diet leading to a positive T value. In other samples of 10 people, weight gain might be a little higher under the beer diet leading to a negative T value. The important point, however, is that under the null hypothesis, we should expect that most T values that are that we compute are close to zero. जी, read करते हैं। Our computed T value is not zero. But it is in fact negative. T8 is equal to minus 4.47. Although T value is negative, this should not bother us. Remember that the T value is only minus 4.47 because we named the pizza diet X1 and the beer diet X2. This is of course completely arbitrary. If we had reversed our order of calculation with the pizza diet as X2 and the beer diet X1, then our calculation T value would be positive 4.47. जी एग्जाम्पल वन अगेन कैलकुलेशंस इन द रिसर्च क्वेश्चन वी डिड नॉट स्पेसिफाई व्हिच डाइट शुड कॉज मोर वेट गेन देयरफॉर दिस टी टेस्ट इज अ सो कॉल्ड टू टेल टी टेस्ट। तो ये टू टेल टी टेस्ट है आपके पास और उसको वही उसी जगह पे आप लोग देखेंगे जिस जगह पे आपने अभी तक जो टेबल आपको बता रहे उसी जगह पे आप देखेंगे 0.05 के नीचे देखेंगे 0.01 के नीचे देखेंगे। अगर ये वन टेल टी टेस्ट होता और आप कहते हैं कि जी एक्स बार जो है वन जो है वो लेस देन एक्स बार टू है, ठीक है, या एक्स बार टू इज ग्रेटर देन एक्स बार वन, तो इस सूरत में आप फिर क्या करते, आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम आप यूज करते। जी यस सर। इन द लास्ट स्टेप वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू फॉर अ टू टेल टी विद 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लुक इन द टेबल फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन और रिजेक्शन रीजन। द वैल्यू यू शुड फाइंड इज आर टी रिजेक्शन रीजन इज इक्वल टू माइनस रिजेक्शन रीजन T8 टू टेल टेस्ट इज इक्वल टू माइनस 2.31। तो ये रिजेक्शन रीजन है, टी जो है वो आपके पास 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है और टू टेल टेस्ट आपने किया हुआ है तो उसके लिए जो रिजेक्शन रीजन आपके पास आ रहा है वो 2.31 है और इसके साथ वो 2.31 के साथ माइनस या प्लस का निशान नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपके पास माइनस 4.47 है तो यहाँ पे आप 2.31 के साथ खुद माइनस लगा देंगे। अगर वो 4.47 होता प्लस 4.47 होता तो यहाँ पे फिर आपको माइनस का निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर ये हमेशा जहन में रखें कि अगर आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स माइनस में आ रहा है तो फिर आप रिजेक्शन रीजन खुद उसमें माइनस का निशान लगा देंगे, अगर वो प्लस में आ रहा है तो फिर माइनस का निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप खुद करेंगे। जी रीड करें। जी कैलकुलेटेड टी वैल्यू ऑफ माइनस 4.47 is larger in magnitude than the critical value of minus 2.3 critical value of minus 2.31.
Therefore, we can reject the null hypothesis. Even for a results section of journal article, this language is a bit too formal and general. It is more important to state the research result, namely, participants on the beer diet mean is equal to 4, gained sufficiently more weight than those on the pizza diet mean is equal to 2. T8 is equal to minus 4.47. P-value is less than 0.05. Two-tailed test. तो जब आप अपने रिजल्ट्स को फिर आप अपने आर्टिकल में लिखेंगे, आप अपने थीसिस में लिखेंगे, तो उसको इस अंदाज में लिखेंगे. जब आप थीसिस में अपने रिजल्ट्स को लिखेंगे तो अगर आपके पास वो सिग्निफिकेंट आ रहा है तो इस तरह लिखेंगे. ये पी वैल्यू जो है, ये पी वैल्यू, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि पी वैल्यू जो है वो दो तरीकों से लिखी जाती है. आप तो या इस तरह लिखेंगे पी लेस देन 0.05, एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है, जब आप कंप्यूटर पे करते हैं तो कंप्यूटर अक्सर आपको पी वैल्यू बहुत छोटे नंबर में दे देती है, 0.00042 इस तरह दे देती है. तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पी वैल्यू इज इक्वल टू 0.0042 या 0.0042, आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं. यानी या आप एग्जैक्ट पी वैल्यू भी लिख सकते हैं, या आप अपने साइनोप्सिस में आपने जो पी वैल्यू लिखी थी कि पी वैल्यू में जो है वो 0.05 से कम होगी तो मैं सिग्निफिकेंट लूंगा, तो वही पी वैल्यू भी यहां पे आप लिख सकते हैं. उसमें आपका पी वैल्यू जो है, अगर ये सिग्निफिकेंट है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ सिंपल ये लिख दें कि पी वैल्यू इज लेस देन 0.05. तो ये दो तरीके हैं. आप कंप्यूटर वाली पी वैल्यू भी लिख सकते हैं, उसमें फिर आप कहेंगे कि पी वैल्यू इज इक्वल टू 0.00031. और या ये तरीका है कि आप लिख दें कि जी पी वैल्यू जो भी है उसमें हमें काम नहीं है, बस वो सिग्निफिकेंट आ रही है 0.05 से कम है, लेस देन 0.05. तो ये दो तरीके पी वैल्यू के लिखने के हैं. टू टेल आपने मेंशन करना है, या वन टेल या टू टेल आपने मेंशन करना है. भी क्लियर हो गया जी? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में. बाय स्टेट्स इतना मुश्किल नहीं है जितना आप पहले समझ रहे थे. क्या ख्याल है? बहुत मुश्किल है सर. क्या बात है, ये आपने कौन सा लतीफा सुनाया सर? मुश्किल नहीं है लेकिन प्रैक्टिस चाहिए बहुत. प्रैक्टिस तो आप करेंगे, तो आपको अब क्या करना चाहिए? आप प्रैक्टिस किस तरह करेंगे? 3-4 बुक्स ले लें और उसमें से जितने भी एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स पहले सॉल्व करने की कोशिश करें. स्पेसिफिकली आपके जो आपका जो पेपर होगा, जो मिड टर्म होगा, उसमें ये न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा आएंगे, तो न्यूमेरिकल आप सारे करने की कोशिश करें. जो आपके पास नॉर्मल कर्व है उस नॉर्मल कर्व को आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसको टच करें, उसको उसके न्यूमेरिकल्स करें. ये जी कौन रीड करेगा? जी कोई खातून? Another example. जी. Another example. So let's say we do the following study. We bring in our volunteers and give each of them a psychomotor test where they use a mouse to keep a dot centered on a computer screen target that keeps moving away. Persuade task. Marking is done on time of tasks. 1 hour before the test, both groups get an oral dose of a drug. For every other person, half of the people, the drug is caffeine. For the other half, it's a placebo. हाँ, तो ये देखिए, ये आपके पास जो है एक ग्रुप को आप कैफीन दे देते हैं और दूसरे ग्रुप को आप एक प्लेसिबो इनर टेस्ट इनर ड्रग आप दे देते हैं. इनर ड्रग होती है जिसका कोई असर ही नहीं होता है, और वो अब कंप्यूटर पे एक डॉट नजर आ रहा है और ये कर्सर को जो है उसके ऊपर घुमाने की कोशिश करते हैं कि उसको आप फॉलो करते जाएं. तो ये देखते हैं कि जी कैफीन जब आप ले लेते हैं तो क्या कैफीन से जो आप परसू
टास्क है जो 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 उसके पीछे पीछे आप कर रहे हैं उसमें आप ज्यादा कामयाब होते हैं, या जो आपने प्लेसिबो दिया हुआ है उसमें आप ज्यादा कामयाब होते हैं? किस चीज में आप ज्यादा, किस में आप परसूट टास्क में आप किस में ज्यादा कामयाब हो रहे हैं? और यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपने आपने उनको ब्लाइंड कर दिया है, उन लोगों को अब पता नहीं है कि उसने क्या मेडिसिन ली है, उसने कैफीन ली है या उसने प्लेसिबो लिया हुआ है, वो स्टडी में किसी को पता नहीं है। और ये उसके पास आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। टाइम ऑफ टास्क में आपके पास यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल या जिसको हम कैफीन ग्रुप कहते हैं उसमें 9 बंदे हैं, और उन 9 बंदों के जो सेकेंड्स जितने सेकेंड्स के लिए वो फॉलो कर, 3 सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए, 8 सेकेंड्स के लिए, 16 सेकेंड्स के लिए, 5, 3, 9 और 11 सेकेंड्स के लिए फॉलो करता है, जिसका एवरेज आ रहा है जो मीन है वो 9.778 सेकेंड्स है, और इसका जो स्टैंड डेविएशन आ रहा है वो 4.1164 सेकेंड्स है, जिसमें आप कंट्रोल ग्रुप की कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, कोई कैफीन नहीं दे रहे हैं, उसमें जो परसूट टास्क है वो 21 सेकेंड्स, 18, 14, 20, 11, 19, 8, 12, 13, 15, इसमें 10 लोग हैं, पहले वाले में 9 लोग थे, इसमें 10 लोग हैं। तो ये जो आपके पास जो टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ये इस तरह भी हो सकता है कि दोनों ग्रुप्स आपने इक्वल ना लिए हों, एक में 9 लोग लिए हैं आपने, एक में 10 लोग लिए हैं, तो इसमें इस तरीके से भी ये टेस्ट आपके पास हो सकता है कि आप अनइक्वल नंबर दोनों ग्रुप्स में आपके पास आ रहा हूं। यहाँ पे जो नंबर है वो दूसरे ग्रुप का वो 10 है, मीन इसका 15.1 सेकंड्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4.2805 सेकंड्स है। जी, अब जो हम इसको टेस्ट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी होगी? 17 सर। 17, वेरी गुड, 17 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और 17 के सामने आप 0.05 के नीचे आप रिजेक्शन रीजन देख लें, आपके पास रिजेक्शन रीजन क्या आ रही है? 2.11। वेरी गुड बेटा, जबरदस्त, 2.11। टू टेल टेस्ट है कि वन टेल टेस्ट है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इसमें आपका मीन कम आएगा तो फिर आप वन टेल्ट कर सकते थे, इसमें कोई पता नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए जो एक्सपेरिमेंटल है उसमें 14 सेकेंड भी है, 16 सेकेंड भी है, और दूसरी तरफ जो आपका दूसरा ग्रुप है उसमें 8 भी है, 12 भी है, 13 भी है, जो कि इससे कम है, तो ये भी आपके पास आ सकते थे, 16 सेकेंड सारे आ सकते थे, यहाँ पे 14 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 13 सेकेंड, तो फिर ये कम होता, तो इट मींस कि आपको कुछ पता नहीं है, तो आप कह सकते थे कि ये टू टेल टेस्ट है। तो टू टेल पे 0.05 के नीचे ये आपके पास जो रिजेक्शन रीजन आ रहे हैं, आपने कुछ मेरे ख्याल में कह दिया 2.11 है, ठीक है। और आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास अब ये होगा, सॉरी, हमने पहले स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस देनी है, स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या होगा कि जी जो टाइम ऑफ टास्क है वो दोनों ग्रुप्स में नल हाइपोथेसिस कहेगा कि इक्वल है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगा कि दोनों में इक्वल नहीं है। तो एक्स बार वन इज इक्वल टू एक्स बार टू नल हाइपोथेसिस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्स बार वन इज नॉट इक्वल टू एक्स बार टू। फिर आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना है, और वो एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू डिवाइड बाय एस वन square divided by n1 plus s2 square divided by n2, और उसका square सारे का square root ले लें denominator का, तो हम solve कर लेते हैं। जो standard error है, standard error हमने calculate किया तो वो 1.93 आ रहा है, और जो डिफरेंस है 9.778 माइनस 15.1 डिवाइड बाय उसको 1.93 से कर लेते हैं, तो अब हमारे पास आ रहा है 2.758
2.758 हमारे पास रिजेक्शन रीजन आ रहा है, और जो हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू आ रही है वो 2.11 है। तो ये 2.11 आप माइनस 2.11 कर दें और माइनस 2.758 है, तो माइनस 2.758 जो है वो दूर गिर रहा है, मीन से दूर गिर रहा है, रिजेक्शन रीजन में गिर रहा है। रिजेक्शन रीजन माइनस 2.11 से शुरू हो जाती है और ये रिजेक्शन रीजन में गिर रहा है, तो क्या करें, हमारे पास कंक्लूजन क्या है, रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। जब हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, तो दोनों मीन्स हमारे पास डिफरेंट हैं, और जो कैफीन है वो इफेक्टिव है, वो इफेक्ट अपनी डाल रही है, और क्या डाल रही है, कैसी इफेक्ट डाल रही है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, उसको कम कर रही है, जो टास्क है, जो परसूट टास्क है उसको कम कर रही है। तो कैफीन लेने से आपका टास्क पे असर पड़ सकता है और उसको वो सर, कम कर। जी जी सर, पिछली जो कल जो हमने टेस्ट पढ़ा था सर, उसमें ये था कि अगर ये टेबुलेटेड वैल्यू कम आता उससे कैलकुलेटेड वैल्यूज, तो हम कहते कि रिजेक्ट, इसमें तो ये कम आता है, ये ऑपोजिट हुआ, तो आपने कहा ये सेम है, दोनों कहां पे सेम आ रहा है, कौन कहता है सेम आ रहा है? सर 2.11 आता है 2.758 के उसमें, कौन सा वाला? तो ये रिजेक्शन रीजन, ये इसी का कह देना। रिजेक्शन रीजन आपकी क्या है? रिजेक्शन रीजन शुरू हो गई है और 2.758 आपके अब रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है। टेबुलेटेड वैल्यू छोटी है और जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो बड़ी है, तो रिजेक्ट कर देना नल हाइपोथेसिस को, वो मीन से दूर जा रही है। और यही चीज जो है, ये आपका कल भी मैं यही चीज आपको कह रहा था, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने कल मेरा ये स्टेटमेंट कहीं पे मैंने गलत दिया हुआ है तो उसको इग्नोर कर दें, ये इसमें भी और उसमें भी। जो आपके पास जो टेबल से वैल्यू आ रही है, अगर उससे दूर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू गिर रही है, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। और अगर जो आपकी जो जहां पे भी आपकी टेबुलेटेड वैल्यू गिर रही है, 2.11 पे आपकी गिर रही है, तो 2.11 से छोटी वैल्यू अगर यहाँ पे होती, 1.99 होती, तो फिर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस होती, आज भी और कल भी। सर हम माइनस में कंफ्यूज थे असल में, समझ आ गया कल, हाँ वो माइनस आया था, तो हम माइनस वाली वैल्यू को छोटी समझ रहे थे। छोटी ये है कि आप देखें मीन सेंटर में आ रहा है, मीन सेंटर में आ रहा है, मीन के करीब आपका प्लस वन राइट हैंड साइड पे आएगा, माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, प्लस टू जो है उससे दूर आएगा, माइनस टू मीन से दूर आएगा, प्लस थ्री और भी दूर होगा, माइनस थ्री और भी दूर होगा, तो दूर की तरफ आप चले जाएं। आप माइनस 2.11 यहां पे रिजेक्शन एरिया है ना जी, ये माइनस 2.11 अब माइनस 2.11 सर, अगर आपकी अगर सर हमारी कंप्यूटेड वैल्यू जो है माइनस 2.14 आ रही है, तब भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी? बिल्कुल, वो रिजेक्शन रीजन माइनस 2.11 से आपके पास दूर आ रही है, माइनस 2.12 आ रही है, माइनस 2.13 आ रही है, माइनस 2.14 आ रही है, तो ये रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर 2.10 आ जाती तो ये नजदीक होती, मीन के करीब आती, तो अब आप फिर रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर? ये से आगे वाला स्लाइड, पीछे वाला स्लाइड दिखाएं सर, पीछे वाला सर जी, इससे भी पीछे वाला स्लाइड, नहीं नहीं बस ये हो गया सर, थैंक यू। जी इसको आप सॉल्व करें, ये एग्जांपल है आपके लिए, और अभी सॉल्व करें।
जी एक एक स्टेप करते जाएं और मुझे बताते जाएं। आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है? क्वेश्चन जनरली क्या कह रहा है? सर दो सैंपल्स हमने लिए, एक सैंपल के लोग हैं जिनका जो एसबीपी ब्लड प्रेशर आर एस 125 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और दूसरे को ग्रुप का 132 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। वेरी गुड। तो ये एक जैसे हैं कि ये एक जैसे नहीं है? ठीक है, तो एक पॉपुलेशन आपकी सर हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगी कि इन दोनों का जो ब्लड प्रेशर वापस में डिफरेंट है, और नल हाइपोथेसिस ये होगी कि सेम है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो आपने स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस दे दिया। अब जो आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल है वो 95% ही पे कर लें, 95% पे आप सिग्निफिकेंस ले लें इसकी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी आप? 20 होगी। हाँ, ये भी बेटा जरा बता दो कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ताकि जिसको समझ नहीं आई है, लेट जो आए हैं उनको पता चले कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने कैसे कैलकुलेट किया है। सर N1 प्लस N2 जो उसका आंसर होगा उसको 2 से माइनस करना है। हाँ, जो आंसर होगा उससे 2 माइनस करना होगा। तो N1 आपके पास 12 है और N2 आपके पास 10 है, तो ये आपके पास 22 हो गया। 22 से 2 माइनस किया तो 20 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, और 20 के सामने आपके पास 2.09। सारे मुझे देख जवाब दे दें इसका, सारे लोग मुझे देख लें जवाब दे दें। 2.09 आप लोगों को नजर आ गया? किसको नजर नहीं आया है अभी तक? किसको 2.09 नजर नहीं आया है? जी सबको आ गया है, इट मीन सबको नजर आ गया है। तो आप सारे मेरे साथ हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा सर? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करनी। एग्जैक्टली, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर दें। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपके पास, उसका फॉर्मूला जरा मुझे बता दें आप। x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइड बाय s1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 अंडर रूट। ये सारा अंडर रूट के नीचे डाल दें। ये सर ठीक है। हाँ, अब इस फॉर्मूले की जगह पे वैल्यूज कौन डाल के मुझे बता देगा? x1 जो है वो 12 है माइनस 10। जी जी, क्या कर रही है? x1 माइनस x2 125 minus 132. 125 minus 132. 125 minus 132 आपने करना है, या 132 ये भी ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखें कि ये भी अगर इधर आपने लिख दिया जी 132 minus 125 तो ये भी ठीक है, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। 125 minus 132 या 132 minus 125 ये मीन है, x bars हैं। x bar 1 आपने 125 ले लिया, x बार 2 आपने 132 ले लिया, या अपोजिट ले लिया, x बार 1 आपने 132 ले लिया, x बार 2 आपने 125 ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया। अब आपने ये तो न्यूमिरेटर है, डिनोमिनेटर आपके पास आएगा 10 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर डिवाइड 12 प्लस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी, बिल्कुल। तो आप कैलकुलेट कर दें इसको जरा, क्या आते हैं? तो पहले जो आप कैलकुलेट करते हैं, तो पहले ये जो नीचे वाली जगह है ना, इसको पहले कैलकुलेट कर दें, ऊपर वाली इसके साथ अभी नाप करें, उसको उसी तरह लिख लें। पहले जो स्टैंडर्ड एरर जिसको हम कहते हैं, वो स्टैंडर्ड एरर मेरे लिए कैलकुलेट करके बता दें। तो आप लोग स्टैंडर्ड एरर क्या चीज, जो स्टैंडर्ड एरर है उसकी वैल्यू आपने निकाल दी है? ये सारे कैलकुलेट कर दें, 4.76 आप सबके पास कंप्यूटर होगा, उस पे आप कैलकुलेट कर दें, मुझे बता दें।
लड़कियों की तरफ से आवाज नहीं आ रही है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों ने जरूर सीख ली है। सर माइनस वन पॉइंट मैं भी देख लेता हूं। ये मैंने 99% सिग्निफिकेंस पे मैंने रिजेक्शन रीजन निकाली है। अच्छा इसकी फिक्र ना करें, आपने 95% पे रिजेक्शन रीजन निकालनी है, बिल्कुल ठीक होगी। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं 1.43 मेरे पास आ रहा है। आपने कितना कहा था? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 1.47, 1.46, 1.45, 1.44, 1.43, 1.42, 1.41, 1.40 जिसके भी आ रहे हैं वो उनको मैं ठीक कंसिडर करूंगा। मेरे पास अगर आपका पेपर आ गया बिल्कुल ठीक कंसिडर करूंगा, ये ठीक है। 1.47 आपने बिल्कुल ठीक किया है। और फिर रिजेक्शन रीजन अब आपकी क्या है सर? 2.09। तो फिर क्या कह रहे हैं आप, कंक्लूजन क्या है सर? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते जी। आप में से कौन कौन नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकता है वो सारे मुझे कहते जाएं, अपना नाम बताते जाएं कि मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता हूं, और जो रिजेक्ट कर सकते हैं वो भी मुझे अपना नाम बताते जाएं। सर नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट। नाम बताते जाएं। नुद्रत जी सर नहीं करेंगे रिजेक्ट। नाम बताते सर कुलसुम। अच्छा आगे और हसीब जी, हसीब कर सकते, हसीब कर सकते कि नहीं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट नेक्स्ट बताते जी। अमान बेटा बताओ, सलमान बताओ, ठीक है नहीं कर सकते। और कौन कहता है कि कर सकते हैं? तो ये रिजेक्ट नहीं हो सकता है, ना 95% पे रिजेक्ट हो सकता है और ना 99%। जब 95% पे रिजेक्ट नहीं हो सकता है तो वो 99% पे बिल्कुल ही रिजेक्ट नहीं होगा। वी फेल टू रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। और जब आपने नल हाइपोथेसिस जब आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इस प्रॉब्लम के हवाले से हम क्वेश्चन पे फिर चले जाते हैं। दोनों का ब्लड प्रेशर सेम हो जाएगा। जो जो डायबिटीज है तो डायबिटीज जो है वो ब्लड प्रेशर पे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे असर नहीं डालती है। ठीक हो गया? वेरी गुड। यस सर। ये तो आप लोगों ने अब देखें, आप लोग मुझे कहते हैं कि बायोस्टेट्स हमने नहीं सीखी, और आपने तो सीख लिया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। ये बोटॉक्स का यूज है फॉर सर्वाइकल डिस्टोनिया, एक एग्जांपल है जी। कौन पढ़ेगा? Example, individual suffering from cervical dystonia response. Score of severity of cervical dystonia, higher scores are more severe. At week 8 of the treatment. Research hypothesis, Botox 8 decreases mean score more than existing treatment. Very good, beta. Groups? Groups, existing treatment group 1 and Botox A group 2. जी। और ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स जी, एक्स बार 1 आपके पास आ रहा है, एक्स बार 1 इज इक्वल टू 10.1, एक्स बार 2 इज इक्वल टू 7.7, बिल्कुल स्टैंड एसडी 1 इज इक्वल टू एस 1 इज इक्वल टू 3.6, एस इज एस 2 इज इक्वल टू 3.4, एन इज इक्वल टू 31, एन 2 इज इक्वल टू 35। वेरी गुड बेटा, सॉल्व कर रहे हैं इसे।
स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। मिस नुदरत आप बता दें आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस होगा x बार 1 इज इक्वल टू x बार 2 और अल्टरनेट होगा x बार 1 इज नॉट इक्वल टू x बार 2। जी, कौन कौन इसके साथ एग्री करते हैं और कौन कौन एग्री नहीं करता है? जो एग्री करते हैं वो पहले मुझे बता। डिक्रीज मी मैं एग्री नहीं करता। आप एग्री नहीं करते? आप भी एग्री नहीं करते? जी बिल्कुल। ये क्या हुआ मैडम, ये तो आपके साथ कोई एग्री नहीं कर रहा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस चेंजेस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका कुछ और कह रहा है, ठीक है ना सर? x बार 1 इज स्मॉलर देन x बार 2। जी बिल्कुल। तो आप x बार 1 जो है बुटॉक्स को लेंगे तो वो स्मॉलर होगा? जी सर, बुटॉक्स को लेंगे तो वो स्मॉलर होगा। इसमें जो भी होगा वो जरा आपने एहतियात करनी है, ठीक है? तो x बार 1 आपका बोटॉक्स होगा तो इट विल बी लेस देन। तो ये आपका जो टेस्ट होगा ये टू टेल्ड होगा वन टेल्ड होगा? वन टेल्ड सर, वन टेल्ड। अब वन टेल्ड, अब वन टेल्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना? अब ऐसा ऐसा मेरे ख्याल में क्लियर होता जा रहा है। जब वन टेल्ड होगा तो आपके पास अब रिजेक्शन रीजन क्या आएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 66 सर, 66 बिल्कुल 66 होगी। तो ये किसके करीब होगा? कौन सी वैल्यू आप लेंगे? अगर मैं होता तो कल हम मेरे ख्याल में एग्री कर रहे थे कि हम जो हैं वो 30 वाले हैं, 30-32 पे हैं, तो हम जो हैं इसको हम तकरीबन 1.65 जो हमारे पास Z की वैल्यू आती थी रिजेक्शन रीजन के लिए 1.645 या 1.65 वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी यूज़ कर सकती हैं बिला शक व शुबे कि आप लोग इसको यूज़ करते हैं। बहुत बड़ा सैंपल है आपके पास 1.65 अगर आपने यूज़ किया या आपने अब देखें एज ए स्टूडेंट इसको 66 तो उस पे जो आपके पास वो जो फॉर्मूला है वो आप यूज कर सकते हैं ए प्लस ब्रैकेट में बी डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ। तो जो बी आपके पास आ रहा है बी जो भी आ रहा है उसको 66 से डिवाइड कर दें और ए के साथ प्लस कर दें। तो ए क्या है आपके पास 1.645 है प्लस बी क्या चीज है आपके पास टेबल से देख लें बी क्या है 1.58 सर 1.58 को आप जब 66 से डिवाइड कर देते हैं तो वो बहुत छोटा नंबर आपके पास बन जाता है। क्या बनता है 0.02 सर। तो 0.02 आप 1.65 के साथ प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.67 हो जाएगा। यस सर, ठीक है ना 1.67 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर दें। सर 2.18 आता नीचे वाली वैल्यू का जो आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर है वो 2.18 आ रही है। वो तो 2.18 तो नहीं आ रही है, 0.85 आ रही है।
अच्छा ठीक है सर, मैंने वैल्यू वोल्टी लिख दी, ठीक है सर। ये जब आप वो कर देते हैं कैलकुलेशन, आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करते हैं, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपके पास तकरीबन 2.82 आ रहा है, 2.82, और रिजेक्शन आपके पास 1.645 आ रही है, 1.645 या 1.67 आप लोगों ने अभी कुछ निकाल दी थी। तो अब क्या कंक्लूजन क्या है, नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे सर। बिल्कुल जी, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो, इट मींस के बोटॉक्स जो है वो आपके जो सर्वाइकल डिस्टोनिया है उसको ट्रीट कर रहा है, या उसको जो मीन स्कोर्स हैं उसके वो कम कर रहा है। ये जो आप जरा ऊपर देखें जो कलर्ड में है, आपके पास एच नॉट और एच अल्फा, इसमें कोई आपको खतरनाक चीज तो नजर नहीं आ रही। एक्स बार वन ऊपर लिखा हुआ है, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू या म्यू वन माइनस म्यू टू लिखा गया है इज इक्वल टू जीरो। ये वही चीज है, इज इक्वल टू जीरो तब आएगा जब म्यू वन और म्यू टू इक्वल होंगे। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, दोनों तरीके ठीक है। जिसमें डिफरेंस आ रहा है, अब देखिए म्यू वन माइनस म्यू टू ग्रेटर देन जीरो, ये भी आपके पास आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आपके पास आएगा, नॉट इक्वल टू, इसमें वन टेल्ड आपके पास आ रहा है कि हमेशा म्यू वन आपके पास म्यू टू से बड़ा है, तो ग्रेटर देन जीरो आपके सर, पास म्यू सर ये म्यू हम पॉपुलेशन के लिए यूज नहीं करते? जी बिल्कुल, पॉपुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं वही पॉपुलेशन, आप वही पॉपुलेशन। लेकिन सर यहाँ पे तो हम सैंपल ले रहे हैं, तो सैंपल के लिए एक्स बार यूज करते हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों दोनों चीजें आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है। कुछ बुक्स इसी तरह लिखते हैं, कुछ एक्स बार से लेते हैं, एक्स बार से ले लें तो वो मुझे ज्यादा पसंद है। ये मुख्तलिफ बुक्स हैं चूंकि मैंने लिखे लिए हुए हैं या नेट से मैंने लिए हुए हैं ये एग्जांपल्स, तो कहीं पे म्यू वन यूज होता है, कहीं पे म्यू यूज होता है, कहीं पे एक्स बार यूज होता है, तो यहाँ पे म्यू यूज हुआ है। लेकिन इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप म्यू के बजाय आप एक्स बार ले लें। बाकी जो आपकी कंक्लूजन है, इंटरप्रिटेशन है, मेरे ख्याल में उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये देखें, ये क्वेश्चन है, जरा इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप इस वक्त नहीं कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे यूज हो रहा है ना, आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं और इंडिविजुअली वैल्यूज ले रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो डेटा बहुत ज्यादा है। देखे डेटा जो है आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, एक्सपेरिमेंटल में आपके पास कोई 30-40 लोग हैं, और इसी तरह 30-40 लोग आपके पास कंपैरिजन ग्रुप में भी हैं, तो ये डेटा जो है आप यहाँ पे नहीं कर सकते। इस तरह का डेटा आपको एग्जाम में भी नहीं दिया जाएगा, इस पे कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये मैंने जब आप लोग कंप्यूटर पे करेंगे इंशाल्लाह, तो ये कंप्यूटर पे हम लोग इस डेटा को करेंगे, और हम जो दोनों हाइपोथेसिस हैं उसको फिर हम कंप्यूटर पे यूज़ करेंगे, आपको कंप्यूटर से आंसर आ जाएगा। ये आपके पास ये जो डेटा है उसका मीन आपके पास आ रहा है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, अब आप लोग कर सकते हैं, मीन कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस आपके पास क्या होगी वो आप लिख लें, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर दें, वैल्यूज डाल दें, एन कितना है, एन आप लिख लें, एन एक का 20 है, दूसरे का 20 है, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर दें तो ये 3.94 होगा, और जब 2020 आपके पास N1 और N2 आ जाते हैं तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा,
18 सर नहीं सर सॉरी 38 जी 38 होगा आपके पास ठीक है ना 20 + 20 40 हो जाएगा और 40 - 2 आपके पास 38 हो जाएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 38 तो 38 पे आप देख लें आपके पास रिजेक्शन रीजन क्या आ रही है तो वही 25 का या आप 1 point या आपका टू टेल्ड है तो टू टेल्ड पे आप दे सकते हैं कि टू टेल्ड पे आपके पास जो रिजेक्शन रीजन होगी वो 1.96 होगी ये 3.94 आ रही है आपके पास क्या करें नल हाइपोथेसिस के साथ क्या अमल करें रिजेक्ट करेंगे सर रिजेक्ट हो जाएगी रिजेक्ट कर देंगे सर वेरी गुड ये तीन मुझे जवाब मिल रहे हैं तीन लोग मुझे जवाब दे रहे हैं बाकी लोग जो हैं बिल्कुल खामोश हैं जी बाकी लोगों की क्या पोजीशन है यस सर रिजेक्ट हो जाएगी और लोग जी और लोग शाबाश बाकी लोग कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं कि नहीं सिर्फ उन्होंने वो कर दिया है कॉल दिया है और उसके बाद वो चाय पीने के लिए चले गए हैं कितने लोग कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं एक्चुअली मुझे आंसर कर दें मुझे यस सर नहीं नहीं नाम बताते हैं असद सर हसीब सर जी नुदरत ये पाकीजा पाकीजा खामोश है सर मैंने आंसर किया था पलवशा यस सर पलवशा मौजूद है अच्छा ओनसा यस सर अच्छा और फरुख कंसूम भी मौजूद है कोमल की आवाज नहीं आ रही है कोमल 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 मौजूद है कि नहीं है मौजूद अच्छा आवाज आ गई है असद मौजूद है फरुख यस सर हसीब तो मौजूद है और मुजीब प्रेजेंट सर सलमान ये भी मौजूद है तो सारे लोग यहाँ पे जितने ये आपकी क्लास की पूरी स्ट्रेंथ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो एमपीएच के इस वक्त कौन कौन मौजूद हैं पाकीज़ा और पलवशा सर दो बंदे दो एब्सेंट हैं ठीक हो गया अब वापस चलते हैं अपने उस पे ये जो है आप इसको ना लें मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ ये होमवर्क ठीक नहीं था जी ये होमवर्क आप कर दें इसकी पिक्चर ले लें ले लिए जी सर असद आप पिक्चर लेते हैं कौन पिक्चर लेता है सब लेते हैं सर लेते हैं ये इसकी वो है डेटा है हो गया सर ये भी हो गया ठीक है ये सेकंड ट्यूटोरियल है डन सर ये डेटा है इसका
सर इससे पिछले वाला स्लाइड क्या था सर उसमें भी कुछ डेटा था सर नहीं उसमें डेटा नहीं था उसमें नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी वो मैंने इसलिए जल्दी से छुपा दिया अच्छा जी हो गया यस सर अच्छा ये भी ये तीसरा आपका होमवर्क है ये भी ले लें चले ठीक है आपके पास हाइपोथेसिस भी आ जाएगा और ये कर दें अब ले लें और ये आपके पास डेटा होगा जी ये आपका होमवर्क हो गया बैक स्लाइड पे जरा जाएं सर उस पे उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ जी ले लें अच्छा कल के होमवर्क में कोई प्रॉब्लम थी नो सर ये खत्म हो गया ठीक है ना बस ये काफी है बाकी आप लोगों का ये खत्म हो गया